हाय फ्रेंड्स, आप सभी इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे क्वार्टर वन FY21 रिजल्ट सारी लार्ज कैप बैंक्स की और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि सबसे अच्छा रिजल्ट किसने दिया था और किस स्टॉक को हमें फिलहाल खरीदना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में मैंने जो पैरामीटर्स लिया है कंपेरिजन करने के लिए वो है डिपॉजिट ग्रोथ, NII ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ, GNPA, मॉरेटोरियम। देखिए, मैंने क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर FY20 में जो कंपैरिजन किया था बैंक्स की क्वार्टर रिजल्ट को, उसी में मोरेटोरियम यानी कि सिर्फ चार ही पैरामीटर थे, लेकिन यहाँ पे मोरेटोरियम एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, इसलिए मैंने मोरेटोरियम को भी ऐड किया है। तो देखिए, डिपॉजिट NII और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर नहीं बढ़ा है तो इसको 0 मार्क दिया जाएगा, अप टू 5% तो 1 मार्क दिया जाएगा, 6 से 10% हो तो 2 मार्क दिया जाएगा, 11 to 15% होगा तो 3 मार्क दिया जाएगा, 16 to 20% होगा तो 4 मार्क दिया जाएगा, और 20% से भी ज़्यादा हो तो 5 मार्क दिया जाएगा। ग्रॉस एनपीए की बात करें, ग्रॉस एनपीए अगर बढ़ा है 10 बेसिस पॉइंट से भी ज़्यादा तो 0 मार्क दिया जाएगा, 0 से 10 बेसिस पॉइंट यानी कि सिर्फ 10 बेसिस पॉइंट तक ही बढ़ा है तो 1 मार्क दिया जाएगा, और ग्रॉस जीएनपीए अगर कम हुआ है यानी कि 0 से 10 बेसिस पॉइंट कम हुआ है तो 2 मार्क दिया जाएगा, 10 से 50 बेसिस पॉइंट कम हुआ है तो 3 मार्क दिया जाएगा, 50 से भी ज़्यादा बेसिस पॉइंट अगर कम हुआ है तो 4 मार्क दिया जाएगा। और मोरेटोरियम की अगर बात करते हैं, मोरेटोरियम अगर अप टू 10% है तो 4 मार्क दिया जाएगा, 10 से 20% है तो 2 मार्क दिया जाएगा, और 20% से भी ज़्यादा अगर मॉरेटोरियम अंडर है तो उसको 0 मार्क दिया जाएगा, क्योंकि 20% ज़्यादा अगर मॉरेटोरियम है वो एक्चुअली एक बहुत ही खराब डेटा है एक बैंक के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बैंक है HDFC बैंक। HDFC बैंक की डिपॉजिट अगर बात करेंगे तो 25% से बढ़ा था, लगभग 25% बढ़ा था, जिसके लिए उसको 5 मार्क दिया जाता है। NII की बात करेंगे तो NII 18% से बढ़ा था, 4 मार्क दिया जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 15% से बढ़ा था, इसके लिए उसको 4 मार्क दिया जाता है। ग्रॉस एनपीए 10 बेसिस पॉइंट बढ़ा था, इसके लिए उसको 1 मार्क दिया जाता है। मॉरेटोरियम की अगर बात करेंगे, लोन बुक, टोटल लोन बुक का सिर्फ 9% मॉरेटोरियम अंडर है, इसलिए उसको 4 मार्क दिया जाता है मॉरेटोरियम के लिए। टोटल मार्क होता है HDFC बैंक के लिए 18 मार्क। नेक्स्ट है हमारा कोटक बैंक। कोटक बैंक की अगर बात करेंगे तो डिपॉजिट लगभग 12.5-13% के हिसाब से बढ़ा था, 3 मार्क लाता है। NII की बात करें तो NII 18% से बढ़ा था, जो कि 4 मार्क लाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9.5% से बढ़ा था, 2 मार्क लाता है। ग्रॉस एनपीए का डेटा सबसे खराब आया था कोटक बैंक के लिए, 45 बेसिस पॉइंट बढ़ा हुआ था, इसलिए उसको 0 मार्क दिया जाता है फॉर ग्रॉस एनपी। मॉरेटोरियम की अगर बात करेंगे, मॉरेटोरियम तो ठीक था, मॉरेटोरियम 9.65% था टोटल लोन बुक का, इसलिए मॉरेटोरियम के लिए 4 मार्क दिया था, और टोटल मार्क होता है कोटक बैंक के लिए 13 मार्क। नेक्स्ट बैंक की बात करेंगे, नेक्स्ट बैंक है ICICI बैंक। ICICI बैंक की डिपॉजिट 21% बढ़ा था, 5 मार्क लाता है। NII की बात करेंगे तो NII 20% से बढ़ा था, 4 मार्क लाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18% से बढ़ा था, 4 मार्क लाता है। ग्रॉस एनपीए 7 बेसिस पॉइंट कम हुआ था, इसलिए उसको 2 मार्क दिया जाता है। सबसे अच्छा ग्रॉस एनपीए का डेटा होता है कि ग्रॉस एनपीए कम होना। मॉरेटोरियम की अगर बात करेंगे तो लगभग 17.5% टोटल लोन बुक का 17.5% मॉरेटोरियम अंडर है, जो कि बहुत खराब है, इसलिए उसको 2 मार्क दिया जाता है, और टोटल होता है ICICI बैंक के लिए 17 मार्क। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, नेक्स्ट स्टॉक है SBI। SBI का डिपॉजिट लगभग 16% से बढ़ा था, 4 मार्क लाता है। NII लगभग 16% से बढ़ा था, 4 मार्क लाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26-25% लगभग 25% से बढ़ा था, सबसे बेहतर आया था, इसलिए उसको 5 मार्क दिया जाता है। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ग्रॉस एनपीए 71 बेसिस पॉइंट कम हुआ था, सबसे अच्छा ग्रॉस एनपीए आया था डेटा SBI का, इसके लिए उसको 4 मार्क दिया जाता है। और मॉरेटोरियम की बात करेंगे तो मॉरेटोरियम 9.5% का था, इसलिए उसको 4 मार्क दिया जाता है। टोटल मार्क होता है SBI के लिए 21%। देखिए, यहाँ पे SBI का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 24% दिखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25% से बढ़ा था, लेकिन उसका पीछे भी एक वजह है, जो कि उन्होंने सब्सिडियरी में स्टेक बेचा था, इसके लिए उसको अदर इनकम में एक बड़ा गेन आया था, लेकिन परफॉर्मेंस भी उतना खराब नहीं था, परफॉर्मेंस भी ठीक था। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस का डिपॉजिट लगभग 19% से बढ़ा था, 4 मार्क लाता है। NII 20% से बढ़ा था, 4 मार्क लाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बढ़ा था, 1% से घटा था, जिसके लिए उसको 0 मार्क दिया था। नेक्स्ट स्टॉक, नेक्स्ट पैरामीटर है GNPA। ग्रॉस NPA 14 बेसिस पॉइंट कम हुआ था, जिसके लिए उसको 3 मार्क दिया जाता है। मॉरेटोरियम की बात करेंगे तो टोटल लोन बुक का 9.70% मॉरेटोरियम अंडर है, जिसके लिए उसको 4 मार्क दिया जाता है। टोटल मार्क होता है एक्सिस बैंक के लिए 15 मार्क।
नेक्स्ट स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का डिपॉजिट की बात करेंगे तो डिपॉजिट 5% से बढ़ा था, एनआई 16% से बढ़ा था। डिपॉजिट के लिए 1 मार्क, एनआई के लिए 4 मार्क दिया जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13% से बढ़ा था, जिसके लिए उसको 3 मार्क दिया जाता है। ग्रॉस एनपीए की बात करेंगे तो ग्रॉस एनपीए 8 बेसिस पॉइंट बढ़ा था, जिसके लिए उसको 1 मार्क दिया जाता है। और मोरेटोरियम की बात करेंगे तो लगभग 16% टोटल लोन बुक का 16% मोरेटोरियम के अंडर है इंडसइंड बैंक का, तो इसलिए उसको 2 मार्क दिया जाता है और टोटल मार्क होता है इंडसइंड के लिए 11 मार्क। अब देखते हैं कि कौन सा बैंक सबसे अच्छा रिजल्ट दिया था। देखिए SBI 21 मार्क के साथ 1 नंबर पे आती है, HDFC बैंक 18 मार्क के साथ 2 नंबर पे आती है, देन आता है ICICI बैंक, देन एक्सिस बैंक, देन कोटक बैंक, और सबसे खराब अगर किसी ने किया था तो वो था इंडसइंड बैंक 11 मार्क के साथ। देखिए मैंने यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू को क्यों कंपेरिजन किया है, देखिए वीडियो का मैंने पहले भी बताया था कि स्टॉक को हमें फिलहाल खरीदना चाहिए, मैं वो भी बताऊंगा। देखिए SBI लगभग 3-4 क्वार्टर से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे अच्छा तो नहीं कहूंगा लेकिन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो ग्रॉस एनपीए का डाटा है वो धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, यानी कि ग्रॉस एनपीए धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन उसका वैल्यूएशन की बात करेंगे तो जब यानी कि HDFC बैंक जब 3.22% बुक वैल्यू प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, कोटक बैंक 4 प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो उसी जगह पे SBI 0.68 यानी कि बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए SBI हमें थोड़ा सा बेहतर लगता है। देखिए SBI आज बैंक भी बेहतर है, उनका सब्सिडियर की बात करेंगे तो SBI लाइफ, SBI कार्ड्स, SBI म्यूचुअल फंड, ये सब बहुत ही अच्छी कंपनीज है, यानी कि SBI लाइफ और SBI कार्ड्स की तो अभी लिस्टिंग हो चुकी है, अभी कुछ सालों में SBI AMC, SBI जनरल इंश्योरेंस, ये सभी की जब लिस्टिंग होगी SBI को बहुत ही बड़ा मुनाफा मिल सकता है, और अभी प्राइस टू बुक वैल्यू पे वो बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो 2-3 साल बाद जब वो यानी कि 2 प्राइस टू बुक वैल्यू पे अगर ट्रेड करेगा, यानी कि बुक वैल्यू से 2 गुना भी ट्रेड करेगा, तो हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और SBI के साथ ICICI बैंक का परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, तो ICICI बैंक को भी मैंने बाय लिस्ट में डाला है, और सभी स्टॉक को मैंने होल्ड लिस्ट पर डाला है, क्योंकि किसी का रिजल्ट उतना भी खराब नहीं था, सबका रिजल्ट ठीक ठाक ही था। ICICI बैंक का SBI का रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर था, क्योंकि उनका NPA में सुधार देखने को मिला था। किसी से भी आप एग्जिट मत लीजिए, सब होल्ड कीजिए, अगर स्टेक बढ़ाना चाहते हैं तो SBI और ICICI बैंक में बढ़ा सकते हैं। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो का अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर